नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमनेस्टी न्यूज़। दोस्तों, अमेरिका में एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। दरअसल अमेरिकी प्रांत मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में स्थानीय समय अनुसार 1:30 बजे सुबह यानी कि सोमवार और मंगलवार के बीच की मध्य रात्रि को सिंगापुर का एक जहाज स्थानीय फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टकरा गया, जिससे पुल का बड़ा हिस्सा गिर गया। इस दुर्घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। मैं चाहूंगा कि आप सब यहां पर सबसे पहले यह एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखें। यह वीडियो क्लिप ब्रिज कोलैप्स होने के वक्त का है, जिसे किसी ने रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पर डाल दिया है। अभी यहां पर आप देख रहे होंगे कि यह जो कार्गो शिप है, यह अभी चला रहा है और अभी हाँ जी, अभी यह ब्रिज से टकराता है। अभी यहाँ पर ब्रिज के पिलर पर इसकी टक्कर होती है, जिसके कारण यह ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर लंबा ब्रिज ताश के पत्ते की तरह गिरकर नदी में समा जाता है। अमेरिका से श्रीलंका सामान लेकर जा रहे विशाल मालवाहक जहाज की टक्कर से बाल्टीमोर शहर में 3 किलोमीटर लंबा पुल ढह गया। यह पूरा पुल अब पटाप्सको नदी में समा गया है। इस पुल के ढहने के वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कई गाड़ियां नदी में डूब गई है। बताया जा रहा है कि कई लोग नदी के बर्फीले पानी में डूब गए हैं और उन्हें निकालने का प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। CNN के रिपोर्ट के मुताबिक जब यह घटना हुई उस समय पुल के ठेकेदार उसे ठीक करने में लगे हुए थे। वहीं BBC के रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जिस जहाज ने टक्कर मारी है उसके चालक दल के सभी 22 सदस्य भारतीय थे। इस बीच बाल्टीमोर पुलिस ने कहा है कि इस बात के कोई साक्ष्य नहीं है कि जहाज ने जानबूझकर इस फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज को निशाना बनाया है। बाल्टीमोर पुलिस के चीफ रिचर्ड वर्ले ने कहा, इस बात के कोई संकेत नहीं है कि कोई आतंकी हमला हुआ है या इसे जानबूझकर अंजाम दिया गया है। इस बीच FBI ने कहा है कि वह पुल हादसे की जांच में शामिल हो रहा है। वहीं नदी के अंदर गिर गए लोगों को निकालने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आमतौर पर पनडुब्बियों के लिए होता है। दरअसल सोनार के द्वारा पानी में हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अगर सामने कोई इस तरह की वस्तु है उससे यह टकराएगी और फिर वापस सोनार के पास आएगी। इससे यह प्रूफ हो जाता है कि यहाँ कुछ वस्तु विराजमान है। सोनार का आविष्कार पॉल लैंगमैन ने किया था। सोनार एक तकनीक है जो नौचालन जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता करने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करती है। यही कारण था कि सोनार का उपयोग इस दुर्घटना के बाद नदी के अंदर कोई व्यक्ति या किसी प्रकार की कार, गाड़ी, जो भी पुल से गिर गया हो उसका पता लगाया जा सके। और यही कारण रहा कि इस दौरान कई वाहनों का पता चला है। बताया जा रहा है कि यह जहाज सिनर्जी मरीन ग्रुप से जुड़ा हुआ था, जिसे 22 लोग चला रहे थे। ये सभी 22 चालक दल के सदस्य भारतीय थे और श्रीलंका जहाज लेकर जा रहे थे। उन्होंने बताया कि जहाज के चालक दल के कुछ सदस्यों के सिर पर चोट आई है, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ है। इस चालक दल के दल में शामिल सभी 22 सदस्य भारतीय थे, जो कि सभी के सभी सुरक्षित हैं। वहीं शिप के कंपनी ने भी अपनी टीम को हादसे की जांच के लिए भेज दिया है। यह जहाज सिंगापुर के झंडे वाला था, यानी कि इस शिप के ऊपर जो झंडा लगा था वह सिंगापुर का था, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह शिप सिंगापुर से बिलोंग करता है और इसे डाली नाम से बुलाया जाता था। बताया जा रहा है कि डाली जहाज पुल के एक पिलर से टकरा गया। यह हादसा कैसे हुआ, इसका ठीक ठीक कारण अभी तो पता नहीं चल पाया है। सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट की गई एक वीडियो के मुताबिक पोत फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के एक स्तंभ से टकरा गया, जिससे पुल ढहकर पानी में गिर गया। पोत में आग लग गई। यह पुल 1977 में खोला गया था और यह पटाप्सको नदी तक फैला है, जो कि महत्वपूर्ण मार्ग है और बाल्टीमोर बंदरगाह के साथ साथ पूर्वी तट पर नौ परिवहन का केंद्र है। इसे 19वीं सदी के अमेरिकी कवि फ्रांसिस स्कॉट की का नाम दिया गया था। ये वही फ्रांसिस स्कॉट की हैं जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रगान स्टार स्पैंगल्ड बैनर लिखा था। बाल्टीमोर अग्निशमन विभाग के संचार निदेशक केविन कॉटराइट ने अमेरिकी समाचार एजेंसी को बताया कि यह आपात स्थिति है। उन्होंने कहा, हमारा ध्यान फिलहाल लोगों को बचाने पर और पानी से बाहर निकालने पर है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ सामान पुल से लटक रहा है।
कॉर्टराइट ने यह भी कहा कि आपातकालीन कर्मी कम से कम 7 लोगों की तलाश कर रहे हैं जिनके बारे में माना जा रहा है कि वे नदी में गिर गए हैं। उनके मुताबिक कितने लोग प्रभावित हुए हैं यह अभी बताना थोड़ा जल्दबाजी होगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय समय अनुसार सोमवार देर रात 1:30 बजे सूचना मिली थी कि एक पोत बाल्टीमोर में पुल से टकरा गया और घटना के वक्त पुल पर कई गाड़ियां थी। दोस्तों अब बात करें कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है इस घटना को लेकर, तो बहुत से अमेरिकन यह मान रहे हैं कि यह जो घटना हुई है वह भारतीयों की लापरवाही से हुई है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इसमें सभी चालक दल के सदस्य हैं, वह सबके सब भारतीय हैं और उनके पास अच्छा स्किल नहीं होता है, इसलिए इन लोगों ने लापरवाही में इस पोत को जानबूझकर नदी पर बना पुल के पिलर में ठोक दिया और तरह तरह के भारतीयों के खिलाफ ये लोग अनर्गल सा पोस्ट करना शुरू कर दिया। तभी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन एक वीडियो रिलीज करते हैं जिसमें वह कह रहे होते हैं कि इस शिप्स के चालक दल जो कि सारे भारतीय हैं, उन्होंने समय रहते हम लोगों को अलर्ट कर दिया था कि यह शिप्स अपना रास्ता खो चुकी है और यह भी चांस है कि इस नदी के ब्रिज से टकरा जाए, इसलिए आप लोग इसकी तैयारी फटाफट कर लें। राज्य के गवर्नर वेस मूर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा राज्य सदमे में है। उन्होंने इस दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचने वाली बचाव कर्मियों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, मेरे मन में आपके लिए सम्मान बढ़ गया है, मैं आपके साहस और ताकत का सम्मान करता हूं। और फिर वहां के लोकल मीडिया के सामने आकर यह बताया कि इस शिप्स के चालक दल के लोगों ने समय रहते हमें अलर्ट कर दिया था, जिसके कारण हमने आने जाने वाले सभी वाहन को समय रहते रोक लिया, जिसके कारण बहुत से जानों को बचा लिया गया, इसलिए यह चालक दल के सभी भारतीय हमारे लिए एक हीरो की तरह काम किया। इस तरह का स्टेटमेंट आने के बाद सोशल मीडिया पर भारतीयों के खिलाफ जो रेसिज्म तेजी से चल रहा था उसमें कमी आया, नहीं तो लोग यहां तक भी कह रहे थे कि देखो यह भारतीयों ने किस तरह से शिप्स को चलाया कि उनके कंट्रोल से ही बाहर हो गया। लेकिन शायद इन लोगों को यह पता नहीं था कि उस नदी से जब भी कोई शिप्स क्रॉस करता है तो उसके लिए एक नियम बना है कि उस शिप्स का ड्राइवर कोई लोकल 2 अमेरिकन होंगे और इस शिप्स में जो 2 ड्राइवर थे इस शिप्स के लिए वह भी वहीं के लोकल अमेरिकन थे। इसके बावजूद भी अगर यह घटना घट गया तो इसके लिए क्या कहा जाए, लेकिन उनको अलर्ट करने का जो काम किया वह भारतीयों ने समय रहते उनके लोकल अथॉरिटी को अलर्ट कर दिया। इसके बाद भी ये लोग अगर भारतीयों पर इल्जाम लगाएंगे तो फिर इनसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। इस ब्रिज को कोलैप्स होते हुए वीडियो देखने पर यह लगता है कि उनके यहाँ का ब्रिज बहुत दिनों से रिपेयर नहीं हुआ है, जबकि इस तरह का घटना भारत में हो गया होता तो मिलियन के मिलियन ट्वीट्स हर घंटे देखने को मिलते भारतीयों के खिलाफ। लेकिन उनके यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत ही पुराना हो रखा है, उनके रिपेयरिंग करने का ध्यान नहीं है इन्हें। अमेरिका के ब्रिज तो छोड़ो, जो सड़कें हैं, एक्सप्रेसवे हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट्स, वह सब के सब 70-80 के दशक के हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, या तो खुद दुनिया के सुपर पावर है, दुनिया की सबसे अमीर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली यह कंट्री है, लेकिन अभी के वक्त ये लोग पैसे को दूसरे के लड़ाइयों में लगा रहे हैं, दूसरे के लड़ाइयों को फंडिंग कर रहे हैं। इन्होंने बहुत दिन तक अफगानिस्तान में लड़ाई में पैसे बहाए, वहां से जब सब कुछ समेट कर निकले तो कुछ दिनों के बाद ही यूक्रेन में पैसे बहाने लगे ताकि रशिया को नीचा दिखा सके, और अब जाकर इजराइल में अपने पैसे बहाने लगे हैं। इन सब जगह पर यह नकदी पैसे तो दे ही रहे हैं जो कि बिलियनों डॉलर में होता है, और साथ ही साथ बिलियनों डॉलर्स के हथियार भी फ्री में इन लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरे कंट्री से भी हथियार खरीदकर इन लोगों को यह अमेरिकन्स दे रहे हैं। यही कारण है कि लोगों को अपने देश के अंदर बाबा जमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर कुछ भी ध्यान नहीं है। यही साल के अंत तक उनके यहाँ भी चुनाव होना है और इस तरह की घटना का चुनाव पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि इस तरह की घटना को चुनाव प्रचार में भुनाया जाए। खैर जो भी रहा, यह घटना तो दुखदायक है ही, अभी भी इससे सबक सीखकर जल्द इस ओर अग्रसर होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर तंदुरुस्त करने पर ध्यान देना चाहिए। इस वक्त हमारा भारत इन चीजों पर अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।